Welcome back to the channel. I hope you all are doing great. In today's video, I'm again testing out 5-minute craft video. तो मैंने पहले ही makeup hack, fashion hack, dish related hacks और food hacks try out किए हैं. अगर आपने वो video नहीं देखे तो मैं definitely description box में उनका link भी डाल दूंगी, आप जरूर check out करिए. तो आज मैं हर hack को try out करने वाली हूँ, तो देखते हैं उनका result क्या होता है. So without any further delay, let's start the video. सो फ्रेंड्स, बहुत सारा हैक स्ट्रेटनिंग रिलेटेड है. अगर आपके पास स्ट्रेटनर है लेकिन कर्लर नहीं है तो किस तरह से आप अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके आप स्ट्रेटनर के हेल्प से कर्लिंग कर सकते हैं, वही वो बेसिकली दिखाते हैं. तो पहले हैक में उन्होंने स्टिक यूज़ किया था, तो मेरे पास ये वाला स्टिक है, तो उसको हमको ऐसे राउंड अप करना है. तो इस तरह से कर्ल हुआ है, एज यू कैन सी. इसको मैं मार्क्स नहीं देने वाली हूँ, मैं थम्स अप और थम डाउन करूंगी. तो ये बहुत ही मतलब इतना ज्यादा भी हुआ नहीं है, तो आई थिंक मैं थम्स डाउन करूंगी बिकॉज मुझे इतना रिजल्ट इसका अच्छा लगा है नहीं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फंकी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. वो वीडियो में तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन लेट्स सी उसका रिजल्ट कैसा होता है. तो उन्होंने उसमें क्या किया था, आई शेडो का यूज़ किया था. सो आई हैव दिस पिंकिश आई शेडो, तो इसका यूज़ हमें करना है हेयर को कलर करने के लिए. कलर यूजिंग माई फिंगर और उसके हेल्प से हम देखते हैं. ऊपर उन्होंने हर स्प्रे यूज किया था, सो मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ. तो थोड़ा सा मैं हेयर स्प्रे को भी मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है, सो वो कलर हमारा अच्छे से रहे इसलिए. बट एज यू कैन सी, मैंने बहुत ट्राई किया है, उसके बाद में थोड़ा सा ये हेयर को कलर आया है. कलर आपको दिख भी रहा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. बहुत ही हल्का हल्का सा कलर आया है इसमें, और मेरे ख्याल से आपके जो आई शेडो है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड चाहिए तो ही आप ये हैक कर पाएंगे, अदरवाइज ये पूरा ही फेलियर है. बहुत अच्छे से अगर आपके आई शेडो का पिगमेंट है तो आप अर्जेंटली बेसिस पे आपके हेयर को कलर कर सकते हैं. तो इस तरह से ये हैक था, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ओके है. तो फ्रेंड्स, कोई भी हैक को मैं मार्क्स नहीं दे रही हूँ, तो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस हैक को आप कितना मार देंगे. फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक जो है वो अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लग रहा है. तो उसमें क्या करते हैं, वो बहुत हेयर अगर आपके ऑयली है और यू डोंट हैव अ टाइम टू वॉश आउट योर हेयर, तो आपको इमिडिएट बेसिस पे कुछ ट्रिक चाहिए, तो आपने बेबी पाउडर यूज़ करना है. तो यहाँ मेरे पास बेबी पाउडर तो है नहीं, तो मेरे पास ये नॉर्मल टैल्कम पाउडर है, तो उसको यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था बिकॉज यही मेन पार्ट होता है. तो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम फ्रॉम ऑयली हेयर. एज यू कैन सी, इजिली आप देख सकते हैं बहुत ही मेरे हेयर मतलब थोड़े से फ्लफी हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं. पहले मेरे बहुत ही ऑयली थे, बाउंसी हो गए हैं, और ये हैक सच में बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट हैक भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो उसमें आप इमिडिएटली अपने हेयर को लॉन्ग कैसे दिखा सकते हैं वही वो दिखा रहे हैं. तो उसमें मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ.
अभी नॉर्मली मेरे इतने हेयर दिख रहे हैं, सो इनको अगर मुझे लॉन्ग दिखाना है सो व्हाट आई कैन डू। आपने ये पीछे के साइड से देखा होगा तो ये लॉन्ग तो कर दे रहा है हेयर्स को, बट आपके हेयर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ वाले चाहिए, बहुत ही ज्यादा थिक हेयर चाहिए, देन इट विल बी लुक गुड। बट अगर आपके हेयर थिन है तो इट विल माइट बी नॉट लुक दैट ग्रेट। ये अच्छी ट्रिक है आपके हेयर को लॉन्ग दिखाने के लिए, लेकिन आपके हेयर उसके लिए थोड़ा सा थिक होने चाहिए। I hope friends you like this video. If you did, then do not forget to hit a like button, subscribe to my channel and comment करके जरूर बताना कि इसमें से कौन सा हेयर है आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तो हेयर को बाउंसी बनाने वाला, जो ऑयली हेयर होते हैं उनको बाउंसी किस तरह से हम बना सकते हैं वो वाला हेयर सबसे ज्यादा पसंद आया, एंड आई एम श्योर कि मैं इसको और भी ज्यादा ट्राई करूंगी क्योंकि ये ईजी भी है और यूजफुल भी है। तो आप भी मुझे बताइए कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हैक इसमें से लगा है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन गुड बाय।